और कभी कभी ऐसा भी काम होता है जो दिख तो अच्छा नहीं रहा है, कर्म तो अच्छे नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। तो भगवान उस गलत कर्म को भी, गलत क्या कहें, धर्म और अधर्म बड़े छोटे से बिंदु पर टिका हुआ है। गौर से सुनिए, कभी कभी एक ही बात एक समय में धर्म बन जाती है, तो कभी कभी वही बात दूसरे समय में अधर्म बन जाती है। इस बात को इस तरह से समझें, किसी की जान लेना धर्म है कि अधर्म है, बताइए, अधर्म। किसी की जान लेना अधर्म है, हम और आप जानते हैं, लेकिन जब हमारी भारतीय सेना हमारे और आपके प्राण की रक्षा करते हुए प्रतिपल सीमा पे तैनात हैं और विदेशी आतताइयों को हमारी और आपकी रक्षा करते करते जब उनको समाप्त कर देते हैं, तो बताओ वो अधर्म हुआ किसी को मारना? नहीं, फिर क्या हो गया? वही मारना उनका धर्म बन गया जिसको एक समय हम अधर्म कहते हैं। किसी की जान लेना अधर्म है, लेकिन किसी की सुरक्षा के लिए। और इस समय मुझे वही घटना याद आती है, एक डाकू था जिसने अपने जीवन में 99 हत्याएं की और 99 हत्याएं करने के बाद वैराग्य चढ़ गया। और वैराग्य चढ़ा तो कहा, भैया ये हत्या वत्या सब ठीक नहीं, हम साधु बनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, अब साधु बनने का ख्याल। लेकिन बने कैसे, इतना पाप किया है जीवन में, क्या करें? जाते हैं एक महात्मा के यहाँ, काशी जी में जाकर के कहा, महात्मा जी बताइए कि हम क्या करें, पाप तो बहुत किया है, हत्याएं बहुत की हैं। तो संत ने कहा, हत्याएं बहुत की हैं, एक उपाय है। उठा के एक झंडा दिया और उस झंडे का रंग था लाल। महात्मा जी ने कहा, जिस दिन तेरा झंडा लाल से सफेद बन जाएगा, समझ जाना पाप धुल गए, तो एकदम पवित्र हो गया। अच्छा महाराज, लेकर झंडा निकला, काशी स्नान किया, हरिद्वार आया, कुरुक्षेत्र गया, नैमिषारण्य गया, प्रयागराज गया, जहां भी तीर्थ थे सब जगह तीर्थों में दर्शन किया, भजन किया, पूजन किया, लेकिन झंडा लाल का लाल है, झंडा काहे को सफेद हो? परेशान हो गया। एक दिन सालों भर लेकर झंडा घुमा, न झंडा आप कहां से सफेद हो, लाल का लाली बना रहा। एक दिन अब उनको लगा कि शायद मेरे पाप अब धुल नहीं सकते, मैं पापी ही ठहरा। रात्रि में निकल गया, बड़े दुखी और दुखित भाव से पार हो रहा था कि जंगल में अचानक आवाज सुनाई, किसी स्त्री की, किसी महिला की आवाज आ रही थी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब ऐसी आवाज उन्होंने सुनी तो उसने सोचा कि इतनी रात्रि में जंगल में महिला की आवाज, कोई सुरक्षा के लिए बुला रहा है, चलना चाहिए, देखना चाहिए। जब जाकर देखा तो कुछ आतताई महिला के आभूषण इत्यादि छीन रहे थे। ये दृश्य देख करके बाबा तो आज बने हैं, पहले जो थे वो जागृत हो गया वापस, क्रोध आ गया, उठाया जो लाल डंडा लिए, लाल लिए थे ना झंडा, उसमें डंडा भी लगा था, कहा छोड़ो ये सफेद के चक्कर में न पड़ो, इसकी रक्षा तभी होगी जैसे 99 हत्याएं की, एक और भी कर देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, जैसे 99 वैसे 100। उठाया डंडा, दिया दो चार डंडे सर पर उस आतताई के, और वो आतताई तो वहां से भाग निकला। लेकिन उसके पश्चात जब उस स्त्री की रक्षा हुई तो स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया मैं आपको साधुवाद देती हूँ, आपने हमारी रक्षा की है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे ही वो स्त्री धन्यवाद देकर जाती है, इस व्यक्ति ने भी सोचा कि अब चलना चाहिए, और जैसे ही जाता है तो क्या देखता है, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और आश्चर्य तो तब बिल्कुल नहीं रहा जब देखा जो झंडा लेकर आया था, जो लाल था, वो सफेद पड़ा हुआ था। बोलो सियावर रामचंद्र की। हैरान हो गया, अरे आज तो न कोई धर्म, न कोई पूजा, न कोई पाठ, ये कैसे? यानी मैंने कार्य भले, मैंने उसकी पिटाई की, उसको मारा, लेकिन उद्देश्य अच्छा था, किसी की रक्षा के लिए मैंने किसी की अस्मिता, किसी के गहने और किसी देवी की रक्षा के लिए
मैंने अगर हाथ उठाया है तो हमारा वो कर्म भले गलत दिख रहा है लेकिन उद्देश्य अच्छा है, इसलिए ठाकुर जी ने हमें बहुत पुण्य दिया है और वो लाल झंडा भी सफेद हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो उद्देश्य अच्छा रहा। माता पिता को छोड़ना अच्छी बात है, धर्म है कि अधर्म है बताइए। माता पिता को छोड़ना अच्छी बात है या धर्म है कि अधर्म? अच्छी नहीं बात है। अच्छी, बिल्कुल ईमानदारी और सोच के बताइएगा। अधर्म है सब कह रहे हैं। तो जितने साधु बैठे हैं दुनिया भर में सब माँ बाप को छोड़कर आए, सब धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? माँ बाप को त्याग करके ही तो आते हैं, संन्यास लेते हैं। तो माँ बाप को छोड़ना अच्छी बात नहीं है तो ये धार्मिक है कि अधार्मिक है? खैर, धर्म और अधर्म बहुत छोटी सी बिंदु पर टिका, कभी वही काम धर्म बन जाता है और एक पल में वही काम अधर्म बन जाता है। ईश्वर से जुड़ जाता है जब व्यक्ति तो वो सबसे बड़ा धर्म है।